अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का सोल्यूशन अब यहाँ देख रहे हो बच्चों बोर्ड तो पहले से भरा हुआ है ठीक है और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका सोलूशन पहले ही कर दिया तो सोल्यूशन बच्चों कुछ नहीं किया ये आपको जो बुक में दे रखा है वही मैंने यहाँ बनाया है ठीक है क्वेश्चन पढ़ता हूँ समझ जाओगे आप इसमें कहा है उदाहरण तेरह को देखिए और फर्स्ट नंबर में सारणी दे रखिए टोटल दो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं पहले मैं आपको ये सारणी दे रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सारणी आपको दिख रही है ये बनी हुई है ये सारणी मैंने यहाँ बनाई है ठीक है उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल ग्यारह परिणाम है और बारह है मतलब एक से लेकर के बारह तक इन्होंने अंक लिखे अतः प्रत्येक की प्राकृतिक एक बट्टे है क्या आप इस तर्क से सहमत है साकार उत्तर दीजिए तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं जैसे उन्होंने कहा एग्जाम्पल नंबर तेरह में जाना तो हम बच्चों को एग्जाम्पल नंबर तेरह में आ गए तेरह नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको दे रखा है क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन आप दे सकते हैं और नीचे ये आपकी सारणी दे रखी है इसमें ये सारणी मैं अभी आपको समझा दूंगा कि ये कैसे बनाइए ये, ये आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे इसमें कहा है एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है आ, सभी संभावित परिणामों को लिखिए अब इसमें जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो जब आप जब भी आप खेलते हो उसमें देखोगे एक पासा होता है जिसमें आपके आपके क्या लिखे होते हैं एक से लेकर के तक अंक लिखे होते हैं अब यहाँ पे क्या बोला है दो पासों को एक साथ फेंकना है कितने पासों को फेंकना है दो पासों को एक साथ फेंकना है तो अब जब आप दो पासों को फेंकेंगे तो देखो देखोगे इनके अलावा कोई और संख्या आपकी नहीं निकल के आएगी अब बताओ जब आपने पहले पासों को फेंका उसमें आ गया तीन फिर जब आप दूसरे को फेंका दूसरे में देखा आपने क्या आ गया चार आ गया तो तीन चार अब पहला फेंका उसमें छक्का आ गया दूसरा फेंका उसमें छक्का आ गया देखो इतनी टोटल संख्या है जब आप इसको गिनोगे देखो एक दो तीन चार पाँच छ छः एक लाइन में है ऐसी कितनी लाइन है आपके पास छः तो कुल कितनी संख्या निकल के आ जाएंगी आपके पास छत्तीस तो आप बोल सकते हो कि कुल आपके पास अनुकूल संभावित परिणाम कितने हैं छत्तीस है यहां पे देख सकते हैं कुल संभावित परिणाम कितने आ गए आपके निकल के छत्तीस संभावित परिणाम मिल गए उसके बाद बोला है ये जो आपकी संख्या है दो तीन चार पांच सात आठ सा, नौ दस ग्यारह बारह तक यानी ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका योग करने पर तीन आए योग करने पे चार योग करने पे पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो इसमें देखो ये सारणी आपने कैसे बनानी है क्वेश्चन जब भी आएगा कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो आप नहीं क्या लिखना है गिनती लिख लेनी देखो एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः यानी पहले वाला पासा को ये जो आपका आगे है वो पहला वाला पासा है जो पीछे है वो आपका दूसरा वाला पासा है ठीक है तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं आपने क्या करना है एक से लेकर के छः तक छः लाइनें बना लेनी है ठीक है उसके बाद फिर आपने एक एक, एक फिर दो 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 फिर तीन 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 पीछे देखो चार 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 फिर पांच छह इस तरह से आपने कंप्लीट दो पासों को एक साथ फेंकने की कुल संभावित परिणाम निकाल लेने हैं कितने निकल के आ जाएंगे छत्तीस अब प्रायिकता निकालनी है जिसका योग दो हो इसका इन्होंने पहले दे रखा है एक बटे छत्तीस तो अब हम देख लेते हैं एक बार चेक भी कर लेते हैं कि एक बटे छत्तीस सही है या गलत है योग ऐसी संख्या देखनी है जिनको जोड़ने पर आपस में कितना आ जाए दो आ जाए तो देखो ये एक है और ये है इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ू तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो देखो अनुकूल परिणाम यानी संख्या के अंकों का योग कितना दो आने पर अनुकूल परिणाम कितने 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 और कुल संभावित परिणाम आपके आपके हैं? तो यानी दो योग आने के प्रायिकता ऐसे दूसरा वाला है योग कितना आने पर तीन आने पर तो तीन देखोगे दो प्लस एक को जोड़ोगे तीन आ जाएगा, एक ही, और दो प्लस को आ जाएगा तीन ये. तो तो टोटल आपके पास कितने परिणाम हो गए दो और कुल संभावित परिणाम दूसरा पर हो गया तीसरा है चार योग करने पर कितना है चार है तो देखोगे तीन प्लस एक चार दो प्लस दो चार तीन प्लस एक चार तो कितने टोटल एक दो तीन तो यह इसका क्या आ जाएगी प्रायिकता यानी संख्याओं के अंकों का योग ठीक है कितना आ जाएगा दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना आने पर चार तो चार के कितने हो जाएंगे तीन बट्टे छत्तीस ऐसे ही पाँच देखना है तो ये आप लाइन देख सकते हैं इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेने तो आपको सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा देखो चार और एक पांच तीन दो पांच तीन दो पांच चार और एक पांच तो कितनी संख्या है आपके पास एक दो तीन चार तो इसका कितना आ जाएगा चार बच्चों चार। अनुकूल परिणाम कि, किसका योग कितना पांच आने पर यानी संख्याओं का योग पांच आने के प्रायिकता या अनुकूल परिणाम कितने चार प्रायिकता कितने हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम चार कुल संभावित परिणाम छत्तीस तो चार बट्टे छत्तीस ऐसी छे का बताओ छे के लिए भी आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी पूरी परनाम स्ट्रेट परनाम इस तरह से ये घुमा कर लिख लो देखो एक दो तीन चार पाँच तो छः आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं पाँच और कुल संभावित परिणाम कितने छत्तीस देखो जोड़ लेते हैं पाँच और एक छः चार दो छः तीन तीन छः चार और दो छः पाँच और एक छः ही सात का सात के लिए भी ये वाली लाइन यहाँ से बन जाएगी पूरी कंप्लीट देखो इसको गिन लेते हैं? देखो छ और एक सात पाँच दो सात चार तीन सात चार तीन सात पाँच दो सात छ और एक सात तो ये आ गया एक दो तीन चार पाँच छः इसके आगे कितने छः बट्टे छत्तीस अनुकूल परिणाम छः योग आने के कितना सात और कुल संभावित छत्तीस तो छः बटे छत्तीस होगी प्रायिकता किसके संख्या का योग कितना आने पर सात आने पर नेक्स्ट देख लेते हैं योग कितना आठ तो आठ का कितना है देखो पाँच बटे छत्तीस आठ का देख लेते हैं देखो ये वाला लाइन आ जाएगी कंप्लीट कि कितना योग आठ प्राप्त होने के लिए कहाँ जा रही लाइन इधर को आएगी देखो एक दो तीन चार पाँच छः दो आठ पांच तीन आठ चार चार आठ पांच तीन आठ छः दो आठ तो टोटल कितना पांच बटे छत्तीस बुक में आपको दे रखा है फिर है नौ तो नौ का देख लेते हैं देखो फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी सीधी देखो छः सात आठ नौ पाँच चार नौ पाँच चार नौ छह सात आठ नौ कितने है? एक दो तीन चार तो इसका जाएगा कितना चार बटे छत्तीस नेक्स्ट दे लेते हैं दसवां नंबर सॉरी योग कितना आने पर दस तो ऐसी कितनी संख्या आपके पास तीन देखो छः चार दस पाँच पाँच दस छः चार दस तो इसका कितना आ जाएगा तीन बट्टे छत्तीस आखिरी बचा आपके पास ग्यारह वाला तो ग्यारह के कितने आ जाएंगे दो पाँच छः ग्यारह छः पाँच ग्यारह तो इसका आ जाएगा दो बट्टे छत्तीस लास्ट वाला बारह ही हो होगा आना तो देखो छः प्लस छः कितना आ जाएगा एक तो एक बट्टे छत्तीस तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट आई होप बच्चों इसको आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे तो इसमें एक दूसरा चीज़ भी पूछ रखी है उसका भी आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ अब कोई विद्यार्थी है जो ये कह रहा है कि ये जो आपकी संख्या दे रखी है दो से लेकर के ग्यारह तक क्या कह रहा है दो से लेकर के ग्यारह तक आपके पास कुल कितने परिणाम हैं ग्यारह है ना यानी यहाँ से हम गिने देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह यानी कुल संभावित परिणाम क्या रहा है वो क्या है आपके पास ग्यारह है अब बोला है कि इसमें से प्रत्येक की प्रायिकता यानी दो की प्रायिकता तीन की प्रायिकता चार पांच चार, इनकी प्रत्येक की प्रायिकता है कितनी आएगी एक बट्टे ग्यारह वो ये कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता कितनी आनी चाहिए एक बट्टे ग्यारह आ रही है ग्यारह आनी चाहिए ये उस विद्यार्थी का कहना है बट पर बच्चों यहां पे क्या दे रखा है आपको दो तीन चार इनकी प्रायिकता ये नहीं है इनकी प्रायिकता देखो एक बटे छत्तीस इनके जो संभावित परिणाम है वो एक है फिर यहाँ दो ये तीन यानी चार तीन बार आ रहा है पाँच चार बार आ रहा है छः पाँच बार आ रहा है सात छः बार आ रहा है आठ पाँच बार नौ यानी इनकी जो प्रायिकता है वो क्या रही है अलग अलग आ रही है भिन्न भिन्न आ रही है है ना तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा कि ये जो प्रत्येक परिणाम है उसकी जो प्रायिकता है वो सम्भावी नहीं है ठीक है आपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा होगा जिसमें आपसे पूछा था संप्रायिक है या नहीं है यानी किन किन प्रयोगों के परिणाम सम्प्रायिक है या नहीं है आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा होगा वही चीज आपने यहां पर लिख देनी है कि पहला तो उसने ये बोला है कि क्या आप इस तर्क से सहमत है तो हम लिखेंगे हम इस तर्क से सहमत नहीं है हम इस तर्क से सहमत नहीं हम इस तर्क से सहमत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखो प्रत्येक के जो परिणाम है वो क्या समान नहीं है यहाँ देखो छह पांच बार आ रखा है पांच चार बार आ रखा है तो देखो उसने बोला कि प्रत्येक की प्रायिकता एक बट्टे ग्यारह आनी चाहिए जब आपके पास कुल ग्यारह ग्यारह परिणाम है तो हम क्या लिखेंगे हम इस तरीके से सहमत नहीं है क्योंकि जो परिणाम है वो क्या है समसंभावी नहीं है यानी समान नहीं आ रहे हैं ठीक है बच्चों आई होप इसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे तो लास्ट में आपने जो कारण लिखना है बोलोगे कि ये ग्यारह परिणाम क्योंकि क्योंकि ये ग्यारह परिणाम समसंभावी नहीं है समसंभावी समसंभावी नहीं है यानी यह टोटल आपके पास ग्यारह परिणाम है बट जो इनके अंदर की प्रायिकता देखोगे तो वो अलग अलग आ रही है ना तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि हम इस तरह से सहमत नहीं है जो वो विद्यार्थी कह रहा है क्योंकि इसके ग्यारह परिणाम समसंभावी नहीं है ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत कम आता है तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कंप्लीट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन